दोस्तों हाल ही में 31 अगस्त 2020 को लास्ट 6 मंथ का मॉरेटोरियम कंप्लीट हो चुका है, और अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो मैं ये समझ सकता हूं कि आगे भी आपको लोन मॉरेटोरियम की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा, उसके ऊपर हम विशेष आज की इस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या आपका मॉरेटोरियम एक्सटेंड होगा। पूरी डिटेल, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, मैं नवीन आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई इंसर बुक में। अभी तक हमें 6 मंथ का मॉरेटोरियम जो है मिला था गवर्नमेंट की तरफ से, और उस मॉरेटोरियम की अवधि को हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक जितने भी ईएमआई हमने जो है डिले किए हैं, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी देना होगा आगे जब भी हम उसे पे करते हैं, तो इन सब चीज़ों को कंसीडर ज़रूर करिएगा। हालांकि लोन मॉरेटोरियम अभी जो है फिलहाल राहत की बात है, क्योंकि कोविड की वजह से जो भी लॉकडाउन चल रहा है उसके हिसाब से जितनी भी इनकम है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, बहुत ही ज़्यादा कम है या फिर नहीं के बराबर है। बहुत सारे लोग जो कि लोन लिया हुआ है उन्होंने और लोन को रीपेमेंट करने में अभी भी असमर्थ हैं। मैं उन सभी लोन की बात कर रहा हूँ जो भी आपने कैश लोन लिया हुआ है, यानी पर्सनल लोन लिया हुआ है, होम लोन लिया हुआ है, व्हीकल लोन लिया हुआ है, कोई भी तरह का लोन अगर आपने लिया हुआ है तो उसके ऊपर मॉरेटोरियम आपका 6 महीने का मॉरेटोरियम 31 अगस्त को अभी तक कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं क्या आपका मॉरेटोरियम आगे भी एक्सटेंड करेगा या कि नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं कुछ सोर्स लेना चाहूँगा। देखिए, ये पहला जो आर्टिकल है वो है टाइम्स ऑफ इंडिया का, और इसमें क्लियरली मेंशन है मॉरेटोरियम से रिलेटेड कि ये मॉरेटोरियम आगे भी एक्सटेंड होना चाहिए। हालांकि इसके बारे में कंप्लीट डिटेल अभी भी नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है कि ये मॉरेटोरियम कितने दिनों के लिए एक्सटेंड होगा या कि नहीं होगा। यहाँ पे RBI ने सुप्रीम कोर्ट को जो है ये अपील की है कि इस मॉरेटोरियम को आगे भी एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि अभी भी यूजर अपने लोन का EMI पे करने में असमर्थ हैं। यहाँ पे इन्होंने जो है इन्फॉर्मेशन जो है दे रखी है, हालांकि इस पे इंटरेस्ट आपका कितना माफ़ होगा इस मॉरेटोरियम के ऊपर ये कि कहीं भी जो है आपका नहीं बताया गया है। इस आर्टिकल को आप इनके वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट के ऊपर जो है जाके पढ़ सकते हैं, जो कि हाल ही का है, कुछ घंटों पहले का जो है ये आर्टिकल है। दूसरा जो आर्टिकल है वो है लाइव मिंट का, और यहाँ पे भी इनका कहना है कि ये मॉरेटोरियम आगे 2 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन कन्फर्मेशन अभी भी नहीं है। अभी ये 1-2 दिन में हालांकि आपको पूरा अपडेट मिल जाए कि आपका मॉरेटोरियम एक्सटेंड होगा या कि नहीं होगा, या फिर अगर होगा तो सिर्फ किस लोन पे ये जो है आपका मॉरेटोरियम एक्सटेंड होगा, कैश लोन पे होगा, पर्सनल लोन पे होगा। इसी तरीके से अगला जो आर्टिकल है वो है मनी कंट्रोल का, यहाँ पे भी इनका कहना है कि ये मॉरेटोरियम हो सकता है दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड हो जाए। हालांकि यहाँ पे 2 साल का जो है मनी कंट्रोल का कहना नहीं है, यहाँ पे इनका कहना है कि दिसंबर तक ये मे बी एक्सटेंड हो सकता है, आपके सभी लोन के ऊपर आपको राहत मिल सकती है। इसी तरीके से दैनिक भास्कर का भी कहना है कि 2 साल तक ये मॉरेटोरियम बढ़ाया जा सकता है, कंफर्मेशन अभी भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था मॉरेटोरियम से रिलेटेड आज का अपडेट, अभी भी कन्फर्मेशन नहीं है। हालांकि अपील की गई है इसका अपडेट 1-2 दिन में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जरूर मिल जाएगा कि आपको लोन मॉरेटोरियम एक्सटेंशन मिलेगा या कि नहीं मिलेगा, या फिर अगर मिलेगा भी तो इस लोन के ऊपर आपको राहत मिलेगा, आपका इंटरेस्ट माफ़ होगा कि नहीं होगा। ये सारी डिटेल जानने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा आपको सभी अपडेट में जो है देने वाला हूँ 1 by 1, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये तो छोटा सा अपडेट, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग अपडेट को देखने के लिए।